हेलो फ्रेंड्स, सभी को जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत। अभी हॉस्टल वार्डन का जो परीक्षा जितना नज़दीक आते जा रहा है, तो बच्चों के दिमाग में और क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। मतलब क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मुख्यतः ये देख रहा हूँ मैं कमेंट बॉक्स में और हर जगह में देख रहा हूँ कि ये क्वेश्चन रहता है कि हम लोग जो पढ़े हैं वो सारा चीज़ भूल गए हैं ऐसा लग रहा है, या फिर पूरा खाली हो गया है ऐसा लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जो पढ़े हैं वो भूल गए हैं। तो मैं आज जैसे गया था मार्केट, तो मार्केट का ही एग्ज़ाम्पल लेके मैं आपको समझाता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन आएगा। और अगर चैनल पे नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो हम लोग जब सब्ज़ी मार्केट जाते हैं और सब्ज़ी वहाँ पर ख़रीदते हैं, तो तरह तरह के सब्ज़ी, बहुत सारे अलग अलग तरह के, भिंडी, टमाटर, आलू, लौकी, सारे चीज़ ख़रीद लिए, अलग अलग तरह का घर लिए। और ये अलग अलग तरह के जो सब्ज़ियाँ हैं, सारे चीज़ों को हम एक झोला में पूरा कम्प्लीटली भर लेते हैं, है ना। तो झोला धीरे धीरे करके भरता है और पूरा ऊपर तक भर जाता है झोला, और उसमें दो हैंडल रहते हैं। तो अब उस झोला को हम लोग, सब्ज़ी तो ले लिए, तो अब जाना कहाँ है, घर जाना है। तो सब्ज़ी लेकर जब हमको घर जाना है, तो हम उस झोले को या तो बाइक या किसी की भी हैंडल में लटका के हम लोग जाते हैं घर तक, हमको जाना है घर। तो हम लोग जब उस थैले को हैंडल में लटकाते हैं, तो हम लोग को उस थैले पे इतना विश्वास रहता है कि उस वो थैला का हैंडल हमारे घर जाते तक नहीं टूटेगा और हमारा कोई भी सामान बिखरेगा ही नहीं। मतलब वो क्वेश्चन दिमाग में आता ही नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे झोला रूपी जो आपका दिमाग है, उसमें भी आप अलग अलग तरह के सब्जेक्ट, साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस का, और जो भी सब्जेक्ट है, बाल मनोविज्ञान, जो भी पढ़ा है आपने, अलग अलग तरह का उसमें डाल दिया है। तो जो आपका दिमाग है एक झोला रूपी है, तो उसमें आपने पूरा कम्प्लीटली भर लिया है, अपना पढ़ लिया है, सारा कॉन्फिडेंस से पढ़ लिया है। तो अब उस झोला रूपी दिमाग को आप एग्ज़ाम हॉल में लेकर जाएंगे, अपने घर से एग्ज़ाम हॉल जाएंगे लेके, तो आपको ऐसा विश्वास क्यों नहीं है कि आप सारा चीज़ जो भी पढ़े हैं वो आपके थैले, आपके झोला रूपी दिमाग में, अंदर में है। तो आपको कम से कम इतना विश्वास तो होना चाहिए। जब आप एक झोले पे विश्वास कर सकते हैं कि वो नहीं टूटेगा, तो आप अपने दिमाग पे, अपने आप, अपने ऊपर विश्वास क्यों नहीं कर सकते कि वो जो भी आपने पढ़ा है वो कहीं नहीं जाएगा। वो आपको एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं, अगर आपने पढ़ा होगा, तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा और आपको याद आएगा। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, बिल्कुल मैं भूल गया हूँ, या मुझे कुछ याद नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। आपने जो पढ़ा है सब आपके दिमाग में है, वो कहीं नहीं जाना है। और इतना तो विश्वास आदमी कर सकता है। जैसे आप झोला पे विश्वास कर रहे हैं, तो वैसे आप खुद पे भी विश्वास कर सकते हैं। तो एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से मैंने सोचा कि आप लोगों को समझा दूं, तो थोड़ा मोटिवेशन आएगा। एक बात और बोलूँगा, लाखों की कंपटीशन है, तो जो झोला है सब्जी वाला वो तो है, उसमें से अगर हम रास्ते में बांटते बांटते सब्जी अगर किसी को आ रहे हैं, तो उसमें तो सब्जी ख़त्म हो जाएगा, झोला खाली हो भी सकता है, कम हो सकता है। लेकिन हमारा जो दिमाग है, अगर हम लोगों को समझा रहे हैं, अगर जिसको ज़रूरत है उसको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, अगर अपना पढ़ा हुआ, तो वो ज्ञान ऐसा है कि वो और बढ़ते जाएगा। तो सब्जी रूपी जो झोला है, उससे हमारा जो ये ज्ञान रूपी झोला है वो एकदम अलग है। तो जितना हो सके लोगों की सहायता करें, उनको समझाएँ, बताएँ, पढ़ाएँ जितना हो सक रहा है आपसे, और साथ में पढ़ें, तो जल्दी सफलता आपको मिलेगी।